हार्दिक ने रटानी और ऋषभ पंत ने दिखाया अंजाम का रहा, क्योंकि ऋषभ ताबड़तोड़ पंत ने किया था ये दौरे का शुरुआत शतक के साथ। जो दौरे का अंजाम हुआ है वो भी शतक के साथ। एजबेस्टन में लगाया था शतक टेस्ट मैच के तीसरे दिन में, और यहाँ पर ये दौरे का आखिरी मुकाबला थर्ड ओडीआई डिसाइड में भारत को शतक लगाकर जीत की राह दिखाया, और इससे भारत को है जिताया। ऋषभ ताबड़तोड़ पंत ने अपना रंग है दिखाया। हार्दिक पांड्या ने चटकाए 4 विकेट और जीत, और बल्लेबाजी से भी रन बनाया, और ऋषभ ताबड़तोड़ पंत ने ताबड़तोड़ था नहीं लेकिन वो बहुत है फिर भी छाया। टॉस जीता था रोहित शर्मा ने, जीत के गेंदबाजी करने का लिया निर्णय, और जसप्रीत बुमराह ये मुकाबले में खेले नहीं, उन्हें बैक स्पैज़म था, उन्हें तकलीफ थी तो उन्होंने खेलने का निर्णय नहीं खेले। और तो इंग्लैंड के शुरुआत में पहले 2 गेंदों में चौके के साथ हुआ था इनका शुरुआत इंग्लैंड की, लेकिन सिराज के का जो पहला ओवर था और जो इनिंग का दूसरा ओवर था उसमें ही आए 2 विकेट और मेडन ओवर, वहाँ पर गेम लगा कि कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन इंग्लैंड पहुँचा 259 45.5 ओवर में। जेसन रॉय 41-31 बॉल में, जॉनी बेनस्टो 3 गेंदों में डक, जो रूट 3 गेंदों में डस, बेन स्टोक्स 29 बॉल में 27 रन, जॉस बटलर 80 बॉल्स में 60 रन, मोइन अली 44 बॉल में 34 रन, लैम लिविंगस्टोन 31 बॉल में 27 रन, विली 15 बॉल में 18, कार्ट ओवरटन ने 33 बॉल में 22 रन की कैमियो पारी खेली, और क्रिस 7 बॉल में 3, राइट प्रॉपर्टी ने 1 गेंदों में डक, और शामी को नहीं मिला 1 विकेट 7 ओवर में 38 रन, सिराज ने 9 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट, रसिल बिकृष्णा ने 9 ओवर में 48 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाया अपना करियर बेस्ट ये फिगर है बनाया। चंचल चालाक चंचल चहल ने दिखा किया अपना पहल 9.5 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट उन्होंने भी चटकाया। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 21 रन देकर उन्होंने भी तो 1 विकेट चटकाया। मेन बात ये था कि 74/4 था इंग्लैंड, उसके बाद पहुंचा 259 पर, सिमटा तो इतना दूर तक पहुंचाया, और अब जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो जल्दी जल्दी 3 विकेट गिरा 38 रन पर, 3 विकेट भारत ही गिर गई पहले 10 ओवर के अंदर। टॉप 3 पवेलियन की राह पकड़ चुके थे, और ये मैच में टोटल भारत का गिरा 5 विकेट। रोहित शर्मा कप्तान ने बनाए 17 गेंदों में, शिखर धवन 3 गेंदों में 1, कोहली 22 बॉल्स में 17 रन बनाया, ऋषभ पंत ने 113 गेंदों में 125 रन बनाई, सूर्य कुमार यादव ने 28 बॉल में 16, हार्दिक पांड्या ने 55 बॉल्स में 71, और रविंद्र जडेजा ने 15 गेंदों में 7 रन बनाकर गेम को किया फिनिश। ऋषभ पंत ने आखिरी शॉट चौक के साथ मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ा, ये काम करके दिखाया, और टोटल 7 गेंदों गेंदबाजों का इस्तेमाल किया इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की क्या रणनीति थी कप्तान को अपने बेस्ट 5 बॉलर्स के बारे में पता नहीं, ये एक बात खड़ी मुझको पॉइंट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंग्लैंड क्या करना चाह रहा था। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का वो था पहले 5-5 ओवर दोनों को गया, 10 ओवर जो था उसमें रेस प्रॉपर्टी और प्रेविट भी से जो करवाया 5-5 ओवर करने के बाद क्यों रोक दिया गया मुझे ये नहीं समझ आया,
कि आप वहीं पर आप ये आप वो दोनों जगह गेंदबाजों का यही स्ट्रेंथ था कि वो स्विंग करा कर चक्काएँ विकेट वो शुरुआत के ओवर में जो उनको मदद मिल रही थी थोड़ा बहुत वो सबका वो फ़ायदा उठाते आपने वहाँ पर उन्हें नहीं दिया। मोइन अली का आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया मेरे हिसाब से आप नहीं कर पाए। लेकिन पहले बता देता हूँ फिगर्स, तो रेस टॉपली जो है 7 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लटकाई। विली ने 7 ओवर में 58 रन देकर 1 विकेट नहीं। रेस ने 8 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट। मोइन अली 8 ओवर में 33 रन। ओवरटन 8 ओवर में 54 रन। बेन स्टोक्स 2 ओवर में 14। लैंड लिविंगस्टोन 14 रन 2 ओवर में और जो रूट में 1 बॉल में 4, मतलब आपने 8 गेंदबाजों का किया इस्तेमाल। जो रूट से भी करवाई गेंदबाजी, क्या क्या हुआ ये मैच में। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को ये मैच में ज़रूर समझ आया होगा कि वाइट बॉल की कप्तानी उतनी आसान नहीं। इस बात का परिवेश अच्छे से कराया भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने अच्छा बैटिंग दिखाया। ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होती है, ये बंदा है टॉप क्लास। इसकी आलोचना भी बहुत होगी और हुई है और होते भी रहेगी, लेकिन एक बात है कि ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा अगर ये थोड़ी सी सेंसिबिलिटी और थोड़ा सा काबू और शॉट सिलेक्शन बेहतर हो जाए। क्योंकि आप देखें इसकी जो भी बड़ी बड़ी पारी आई है वो एक ही तरीके सा पैटर्न है कि पहले कुछ ओवर अपने आप को समय देते हैं और फिर अटैक करना चालू करते हैं, और जब ये अटैक करना चालू करते हैं तब गेंदबाजों से ये पूरा दूर ले जाते हैं और इनका यही है ताकत और इन्हें अपनी ताकत में बरकरार रखना चाहिए और भारत को इसे अपने एक हीरे की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप देख रहे थे क्रिकेट ताजेमन गोयनका। बता दूं कि मैनचेस्टर में 39 ईयर्स के बाद इंग्लैंड को हराया है भारत मैनचेस्टर के मैदान पर। ये यहाँ पर वस्तित्व चमाया है भारत ने और ये श्रृंखला पर किया है अपना कब्जा। T20I ODI दोनों में किया है अपना जय जयकार। आप देख रहे थे क्रिकेट विद ताजेमन गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।